हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शादीलाल बत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। शिकायत देने वाली महिला वकील का आरोप है कि 3 दिन पहले सांसद बत्रा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा अब एक दुष्कर्म केस में फंस गए हैं। पेशे से वकील एक महिला ने सांसद के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। महिला के मुताबिक वारदात 24 सितंबर की है। महिला का आरोप है कि कुछ महीने पहले एक दोस्त के जरिए उसकी मुलाकात कांग्रेस नेता और सांसद शादीलाल बत्रा से हुई थी। सांसद ने अपने रसूख का दावा करते हुए उसे कोर्ट में नौकरी दिलाने की बात कही थी और महिला से नजदीकियां बढ़ाई थी। उसके बाद 24 सितंबर को सांसद साहब ने महिला को अपने फ्लैट में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने महिला के आरोपों के बाद कांग्रेस सांसद के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि महिला के आरोपों की तहकीकात के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं शादीलाल बत्रा आरोपों को झूठा करार दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विज ने कहा है कि ये हरियाणा के लिए बहुत शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि जब ये बात सामने आई थी उन्हें तभी ये अंदाजा हो गया था कि ये कोई कांग्रेसी ही होगा। बहुत शर्म की बात है, हरियाणा का नाम धूमिल कर दिया पूरी तरह से, और कांग्रेस का तो कहना ही क्या है। जब अभी नाम नहीं आ रहा था, खाली यही आ रहा था कि राज्यसभा का एक सांसद, तो अंदाजा तो लग ही रहा था कि अगर ऐसा कहा जा रहा तो कांग्रेस का ही होगा। बहरहाल 76 साल के शादीलाल रोहतक से विधायक भी रह चुके हैं और उनका पार्टी में अच्छा खासा रसूख माना जाता है, लेकिन बलात्कार के मामले में फिलहाल वो घिरते नजर आ रहे हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। वही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा ने अपने ऊपर लगी रेप के आरोप को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि महिला के आरोप बेबुनियाद है। शादीलाल बत्रा से बात की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा गलत कारणों की वजह से चर्चा में हैं। एक महिला ने उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। क्या है पूरा मामला, बात करने के लिए शादीलाल बत्रा। बत्रा साहब, आपके खिलाफ एक केस दर्ज कराया है, महिला ने शिकायत दी है, रेप हुआ उसके साथ, क्या कहेंगे? ये जो शिकायत है, जो आरोप है, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है और सच्चाई से कोसों दूर है। मुझे तो एक बात की नहीं आती कि अगर कोई कंप्लेंट आई तो उस कंप्लेंट पे पहले इंक्वायरी होती, इंक्वायरी होकर मेरी वर्शन ली होती, उसके बाद FIR लिखते। लेकिन बिना इंक्वायरी किए, बिना मेरा वर्शन लिए FIR लाज हो गई। FIR लाज हो गई तो अब मैं समझता हूँ कि ये FIR में ही जो इन्वेस्टिगेशन है, वो जो जांच है, वो होगी और उसमें सच्चाई खुल के वापस आएगी कि कंप्लेंट के जो तथ्य हैं किस हद तक सच है और कंप्लेंट करने वाला कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है उसकी बैकग्राउंड क्या है। मैंने आज मेरी 70 साल की उम्र हो गई है। इस सार्वजनिक जीवन में मैंने वकालत भी की, मैंने राजनीति भी की और अभी तक किसी ने उंगली तक नहीं उठाई थी। लेकिन ये जो उंगली उठी है, इस उंगली के उठने पीछे क्या है, कौन सी साजिश है, कौन सा लालच है, कौन सा एक लक्ष्य था जो इस पर जाना था, तो वो तो वक्त आने के बाद, इंक्वायरी के बाद खुलेगा और मैं इसको सार्वजनिक करूंगा कि भाई ये चीज़ थी। लेकिन आज मैं इस बात से हूं कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ये होनी चाहिए थी आफ्टर इंक्वायरी FIR लाज होनी चाहिए थी। पत्रा जी, ये महिला आपके संपर्क में कैसे आई, आखिर इसने शिकायत क्यों दर्ज कराई, कुछ वजह तो होंगी ना? शिकायत दर्ज कर, ये मेरे पास टिकट के लिए आई थी कि मुझे UP के लिए टिकट के रिकमेंड करो। मैं कह मेरा कोई रोल नहीं, और कोई रोल नहीं तो मैं क्या करूं। और मैंने कहा मैं तो राजबब्बर को, इसने कहा कह दो, मैं वो कह दूंगा, लेकिन वो कहने मेरे साथ चलो, मैं साथ नहीं चलूँगा। मैंने इनका आज आरोप जो लग रहे हैं, कहते जी मुझे नौकरी देने का झांसा दिया था। मैं नौकरी कहाँ से दे सकता हूँ, ना मेरी सरकार प्रदेश में ना देश में, जब है ही नहीं नौकरी तो मैं नौकरी कहाँ से लाऊँगा। तो ये सारी जो उनकी बातें हैं सच्चाई से बहुत दूर हैं और इस ऐसे कोई ना बात हुई ना मैंने आश्वासन दिए। हम देख रहे हैं कि आपको जो राजनीतिक जीवन में जानते हैं वो लोग भी मिलने आ रहे हैं, आपको यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं, वो लोग जो लोग आपको जानते हैं। मुझे सपोर्ट देने के लिए नहीं आ रहे, वो अपना दुख जताने के लिए आ रहे हैं कि कानून, हमारा कानून क्या इतना ऐसा है कि किसी के बिना पूछे ऐसे कर दो।
ऐसे कर दो और उसकी मानहानि कर दो और जो इसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। लिहाजा शादीलाल बत्रा भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पुलिस को सच्चाई का पता लगाना चाहिए, अगर वो कसूरवार हैं तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो कसूरवार नहीं है तब निश्चित तौर पर उनकी जो मानहानि हो रही है उसके लिए भी यहाँ पर वो व्यक्ति विशेष तो कसूरवार ठहरा ही जाएगा जो उन पर आरोप लगा रहा है। कैमरामैन विद्या दबरी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली। अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ी नसीहत दी है। अनिल विज ने कहा है कि अगर सैनी को अपने बारे में कोई गलत फहमी है तो उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने खुद को अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट क्या किया, प्रदेश की राजनीति और बीजेपी में भूचाल आ गया। इस मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सैनी को बड़ी नसीहत दी है। अनिल विज ने कहा है कि अगर सैनी को अपने बारे में कोई गलत फहमी हो गई है तो उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। आती है जो वो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति से मेल नहीं खाती, इसलिए उनको अपने बारे में अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो उनको पुनर्विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, जाट आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ पर सरकार को कथित तौर पर हाईजैक करने का आरोप लगाने वाले विज अब उनके बचाव में उतर आए। विज ने दोनों का बचाव करते हुए कहा कि कैप्टन और धनखड़ ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान हुआ हो। कैप्टन अभिमन्यु और धनखड़ ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान हुआ, इसलिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वहीं विज की नसीहत के बाद राजकुमार सैनी भी सामने आ गए। सैनी ने अनिल विज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी बातें बीजेपी की रीति नीति से मेल खाती हैं और वो बीजेपी की कोई खिलाफत नहीं कर रहे हैं। जब हर वर्ग का व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है तो बैकवर्ड समाज का व्यक्ति सीएम बनने का सपना क्यों नहीं देख सकता है? क्या बैकवर्ड क्लास के किसी आदमी को नेतृत्व करने की सपना देखना बुरा है? और रही बात संस्कृति की, भाजपा की संस्कृति के साथ अपनी नीति और रीति पूर्णतया मेल खाती है। ये नहीं है कि भाई मैं भाजपा की कोई खिलाफत कर रहा हूँ। मैं जो लोग भाजपा को अंडर प्रेशर करके अपने मंसूबे साधने में लगे रहे हैं वो लोग प्रेशर बना रहे हैं कि राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई हो। बहरहाल अनिल विज अब तक राजकुमार सैनी पर सीधे तौर पर हमला करने से बचते दिखते थे, लेकिन विज ने मंगलवार को न सिर्फ उन पर हमला बोला बल्कि सैनी के विरोधी धनखड़ और कैप्टन का खुलकर बचाव भी कर दिया। दरअसल सैनी ने कहा था कि अगर उन्हें अगले विधानसभा चुनावों में सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। वहीं जींद में दो दिन पहले अपहरण के बाद रेप का शिकार हुई दलित नाबालिग डर के साए में जीने को मजबूर है। डर की वजह से पीड़िता ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया है। उसे डर है कि कहीं दरिंदे दोबारा उसे न उठा ले। दो दिन पहले दरिंदगी का शिकार हुई दलित रेप पीड़िता ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। उसे डर है कि कहीं दरिंदे उसका दोबारा अपहरण ना कर लें और फिर से उसे वही दर्द ना झेलना पड़े जो उसने दो दिन पहले झेला था। अब वो अपने आप को सिर्फ घर में कैद करके रखना चाहती है। मेरे साथ घटना घटी है, उस दिन से मैं स्कूल में नहीं जा सकती। मुझे डर है कि मुझे फिर भी स्कूल से जा सकता है। इस घिनौनी वारदात के बाद से पीड़ित का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। थाने में मामला भी दर्ज है लेकिन उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी स्कूल जाए और फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू करे, लेकिन उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता ज्यादा सता रही है। ये घटना घटी है, हमारी लड़की स्कूल नहीं जा पा रही है, डर के साए में कदम दोबारा न उठा ले जाए और हमारा परिवार डर के साए में जी रहा है। वारदात के बाद से आरोपी पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है जिसके चलते इस परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवा भी दी गई।
आगामी आदेशों तक पुलिस के चार जवान 24 घंटे तक पीड़ित परिवार की सुरक्षा में रहेंगे। कब से ड्यूटी लगी है आपके यहाँ पर? मेरे से कल से लगी। तो कितने पीछा रहती है? दो या एक? चार जवान। अच्छा, दिन रात यही रहते हैं? हाँ, 24 घंटे। अगला आदेश लगे। पुलिस की माने तो उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस धरपकड़ में लगी हुई है। एक आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया चुका है, जो जेल में बंद करा चुका है। तो फिलहाल उसके परिवार को किस तरह की सुरक्षा दी गई? उसको अभी सुरक्षा मुहैया कराई जा चुकी है, ताकि उनको कोई दबाव न बना सके। जींद के गांव ढांडा खेड़ी में 9वीं कक्षा की छात्रा का उस वक्त अपहरण कर लिया गया था, जब वो घर से 2 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल के लिए पैदल जा रही थी। रास्ते में गांव के ही कुछ दरिंदों ने उसका अपहरण किया और रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से पीड़ित घर में कैद है। टोटल न्यूज के लिए जींद से रमेश सिंह रोहा की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं।